सोशल मीडिया पर पूजा घरों में कल्चरी समाज के सभी बंधुओं ने वालिया जायसवाल हलवालिया कलाल कलार कलार चौकसे गुलहरे सिवरे भंडारे समाज के तमाम लोगों ने आपकी शुभेच्छाएं की। इवन आचार्य जी ने तो अपने यहाँ एक आहुति भी दी आचार्य जी, और प्रभु की इच्छा से हम सबको मंत्री जी ने नहीं बताया न सोशल मीडिया ने कहीं आया कि माननीय मंत्री जी अचानक एम्स गए, परंतु प्रभु की जो कृपा होती है, राम के चरण में जिनका अनुराग है, बाल्यकाल से राम भक्त रहने वाले ऐसे मंत्री जी यशस्वी और दीर्घायु हो, यही शुभकामना। हमारे समाज बांधवों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने मेरे जन्मदिन के दिन जो कुछ हमारे लिए किया, भगवान से प्रार्थना की, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो आज हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, उसमें भी इन हमारे समाज बांधवों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सहकार्य है। और मैंने सभी को कहा था कि कुछ भी नहीं, एक वोट हमारे इस पर नहीं जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और तभी तो हम हरियाणा में हैट्रिक कर सके। और इसी के लिए मैं सभी बांधवों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा का चुनाव लड़ा गया, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयास से, सैनी जी के प्रयास से, फिर एक बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है, इसीलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा नहीं है, जो कुछ विकास आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और भी विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो जो कठिनाइयाँ जो जो समस्या समाज की है वो हम उनके सामने पेश करके वो सुलझाने का प्रयास करेंगे, विकास करेंगे। कहीं ना कहीं आभारी हूँ, क्योंकि जो प्यार इन लोगों से मिला है, जो सहयोग इन लोगों से आज तक कई सालों से मिला है, इसे मैं गदगद हूँ। और यही बार बाकी कुछ छोड़ो, लेकिन यही प्यार हमें देते ही रहना, यही तो हमारी ताकत है, यही तो हमारी शक्ति है। और वो इनकी ही मांग मैं उनसे फिर एक बार करता हूँ। कुमार वालिया पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड और अलुवालिया कणवाल जसवाल समाज का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और भारत के सर्व समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हमारे समाज के 99% लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी के माध्यम से भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आए हैं और माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देने आए हैं, तो इसी के लिए आज यहाँ आए थे। और जैसे कि आप सबको पता कि माननीय मंत्री जी का जन्मदिवस भी था 4 अक्टूबर को, वो भी समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी को अच्छा स्वास्थ्य दे और इसी प्रकार से निरंतर समाज रत्न के रूप में लोगों की सेवा करते रहें, यही कामना लेकर हम आज यहाँ आए हैं। श्रीपद नाइक जी मजबूती से देश सेवा में खड़े हुए और हम सब उनके साथ खड़े हैं, हाथ हमारे बड़े हुए, और यूं तो छोटे मोटे नेता बेमतलब को अड़े हुए, बाकी सब तो कांच के टुकड़े, इनमें हीरे जड़े हुए।